हेलो गाइस, दिस इज आज्ञा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 4.2 पर बेस्ड रहेगी, क्लास 9, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान से सुनिए। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एनसीईआरटी की बुक ओपन करें जब भी मेरी वीडियो को प्ले करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखिए, हमें यहाँ पर एमसीक्यूज पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है और हमें जो इक्वेशन दी है वो मैं बोर्ड पर आपको लिखकर बता रही हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, राइट। ये हमारी इक्वेशन है। दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं और इसके चार ऑप्शन हैं। हमारा पहला ऑप्शन ये कह रहा है आई यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन ओनली। और सेकंड पार्ट कहता है ओनली टू सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ दो सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट कहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशन, अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस। तो आपको मैंने अपनी जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब आपको समझाया था कि अगर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल नजर आए तो हम उसका एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अगर हमें दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं तो हम इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जितने हम चाहें उतने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। और ऑप्शन नंबर 3 मैं वर्बली आपको बोल के बता ही रही हूँ, तो लिखना क्या है आपने भी एनसीईआरटी खोली होगी। तो इसका थर्ड पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। आप टू सॉल्यूशंस वाले पर टिक नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो ये तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। हमारा मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे कि कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमारे से जो क्वेश्चन में डिमांड करी गई है वो 4 सॉल्यूशंस की करी गई है, बट निकालने को हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन की अगर डिमांड 2 की है तो 2 निकालेंगे, 3 की है तो 3, 4 की है तो 4। तो फिलहाल यहाँ पर 4 की है तो हम 4 सॉल्यूशंस निकाल कर दिखाएंगे। तो मैं इसका फर्स्ट, मैं पहले यहाँ पर हेडिंग दे रही हूँ और मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप बहुत ध्यान से देखेंगे। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा करने को, सॉल्यूशन निकालने को, तो आपने एक ट्रिक को फॉलो करना है। एक ट्रिक, एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि क्या आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, जो जिसको अकेला छोड़ना इजी लग रहा हो। अब देखिए बोर्ड पर कैसे। देखिए, मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। आप देखिए, एक्स के साथ 2 अटैच है और वाई अकेला है। तो मेरे अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि हम वाई को अकेला छोड़ें, क्योंकि वाई वैसे भी अपने टर्म में अकेला है। तो हम वाई को ही लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ देते हैं। अगर हम एक्स को छोड़ना चाहें तो हम एक्स को भी छोड़ सकते हैं, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा और स्टेप्स को हमने मिनिमाइज करना है। इसलिए मैं वाई को अकेला यहाँ पर छोड़ रही हूँ और 2x को उधर शिफ्ट कर रही हूँ। जब कोई एक साइड से दूसरी साइड पर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 2x के आगे प्लस है तो वो वहाँ जाकर माइनस हो गया। अब आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है और वो भी अकेला। तो ये हमारी ट्रिक थी कि आपको किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, वो हमने छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम
वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी मर्जी से, जो मर्जी वैल्यू डाल सकते हैं, पर डालेंगे किसकी? हम डालेंगे एक्स की। जिसको हमने अकेला छोड़ दिया है उसकी वैल्यू हमने नहीं डालनी, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो यही ट्रिक है, आपको समझाई है मैंने कि एक वेरिएबल को एक साइड पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला छोड़ दीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डालिए। अब देखिए आपका काम कितना आसान हो गया है, आपको बार बार इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इस ट्रिक को यूज करने से फायदा ये हुआ कि हर बार आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे नेगेटिव डालिए, चाहे पॉजिटिव डालिए, चाहे जीरो डालिए। पुट x इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैं x की वैल्यू जीरो डाल देती हूँ, ठीक है। हम लास्ट में टेबल भी बना लेते हैं क्योंकि ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है, जिसमें हमें चारों सॉल्यूशंस दिखाने हैं। फोर सॉल्यूशंस जो हमें डिमांड करी गई है वो इस टेबल के थ्रू हमें शो करनी है। अगर आप ये टेबल नहीं बनाते तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए आपको टेबल बनानी है। ऊपर एक्स आता है, नीचे वाई आता है, हमेशा ऊपर वाई और नीचे एक्स नहीं होता। चार सॉल्यूशन के लिए मैंने चार बॉक्सेस बना दिए हैं और हम वन बाय वन डालते जाएंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू जीरो डाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा, गलती भी कम होगी, चांसेस गलती के बहुत ना के बराबर रह जाएंगे और आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। अब आपने क्या करना है, आपने x को एक नंबर है यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर है और ये अल्जेब्रिक फैक्टर है, इन दोनों के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमने मल्टीप्लाई लगाया और x की वैल्यू आप जीरो डाल दीजिए इस तरह से, यानी कि x को जीरो से रिप्लेस कर दिया है। किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, इस तरह से टू इंटू जीरो जीरो। तो y की वैल्यू सेवन में से जीरो गया सेवन, तो y की वैल्यू आ गई है सेवन, तो हमने यहाँ y की वैल्यू डाल दी है सेवन। तो x की वैल्यू जीरो पुट करी तो y की वैल्यू निकल कर आई सेवन। तो ये तो हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं सेकंड सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू, अब आप क्या डालना चाहते हैं, वन डाल दीजिए, आप नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू सेवन माइनस टू इंटू x को रिप्लेस कर दीजिए वन से। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा 2, 7 में से 2 गया 5, तो ये y की वैल्यू आ गई 5। कब आई? जब हमने x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू निकल के आई 5। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं थर्ड सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू, अब हम एक नेगेटिव नंबर भी डाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हमने माइनस का कोई नंबर नहीं डाला। तो अब मैं डाल रही हूँ x की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू माइनस वन हम डालने जा रहे हैं, तो y की वैल्यू निकल कर आएगी सेवन माइनस टू इंटू माइनस वन। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टू वन जा टू, सेवन प्लस टू नाइन। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमने माइनस वन डाला तो y की वैल्यू निकल कर आई है 9। तो ये आ गया हमारा तीसरा सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन भी हम निकाल लेते हैं, अब हम क्या डालें x की वैल्यू, हम कुछ भी डाल सकते हैं, अब मैं 2 डाल रही हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं हम x की वैल्यू 2 डालने जा रहे हैं और y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी वो देखेंगे। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू x को रिप्लेस करना है 2 से। बोर्ड मास रूल ये कहता है माइनस से भी पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 टू 4, 7 में से 4 गया 3, तो y की वैल्यू निकल कर आई 3। तो ये थे चार सॉल्यूशन, 1, 2, 3, 4, इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, 0, 7, 1, 5, -1, 9, 2, 3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स भी कहलाते हैं। यही सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे जब हम ग्राफ सीखेंगे, तो अभी तो हम उस टॉपिक पे पहुंचे नहीं, इसका एक पार्ट और लेंगे हम ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट करा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए आपको।
और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि उस ट्रिक से आपका टाइम सेव होगा, आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। और मैं सेकेंड पार्ट आपकी न्यू एडिशन की एनसीईआरटी से ले रही हूँ, और वो है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड पार्ट है, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे, बहुत ही सिंपल है। मेरी जो ट्रिक थी वो ये थी कि हमें किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला छोड़ देना है। तो आप देखिए ध्यान से कि हमारे पास फिर से यहाँ पर x है और y है, तो मेरे अकॉर्डिंग y को अकेला छोड़ना ज़्यादा कन्वीनियंट है, और आपके अकॉर्डिंग भी y होना चाहिए, क्योंकि y खुद से ही अपने टर्म में अकेला है, तो उसको अकेला करना ज़्यादा ईजी है। तो अगर y को यहाँ छोड़ना है तो इसको उठाकर उधर भेजना है, तो जो अपनी साइड में उसको कॉपी किया, पाई एक्स के आगे प्लस है होता जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बात जो इस ट्रिक की याद रखनी है, जिसको हमने अकेला छोड़ा है उसकी वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू उसमें से निकल कर आएगी। यही हमारा इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल बनाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो हमारे को जो सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन देनी होती है वो टेबल के थ्रू देनी होती है, तो हमें ये टेबल बनाकर दिखानी बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू डाल रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 0 डाल दिए, उससे इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। पाई इंटू 0, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो 9 बचा, y इज इक्वल टू 9। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 9 निकल के आ रही है, तो हो गया पहला सॉल्यूशन। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल सकते हो, और ना चाहो तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस मांगे हैं, ग्राफ नहीं बनाना। अगर ग्राफ बनाना होता तो पाई की वैल्यू डालनी जरूरी हो जाती, बट मैं आपको पाई की वैल्यू डालकर बताऊंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डाल देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप डालो, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अब मैं x की वैल्यू 7 डाल रही हूँ। अब मैं क्यों डाल रही हूँ उसका लॉजिक आपको बाद में पता चलेगा, अभी जस्ट थोड़ी देर में ही देखिए। 9 माइनस पाई इंटू एक्स को रिप्लेस कर दिया है 7 से, अब मैं पाई की वैल्यू डालने जा रही हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये सब जानते हैं। अब आपको थोड़ा मेरा लॉजिक पता चला होगा कि मैंने 7 क्यों डाला, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 माइनस 22 रह गई, 22 में से 9 गया, तो बताइए 13 आएगा कि नहीं आएगा, तो 13 आएगा, 13 के आगे माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि 22 बड़ा है, जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। तो आपने क्या दिमाग लगाया और मैंने भी क्या दिमाग लगाया कि सोच समझ के वैल्यू डालिए तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो हमने डाला 7 और y की वैल्यू निकल कर आई -13, राइट। ये आ गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं तीसरा सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू, अब क्या डालना चाहिए। अगर आप अपना दिमाग लगाएं, जो कि हर बच्चे को भगवान ने इक्वली दिमाग दिया है, कोई पार्शियलिटी नहीं करी, तो जो दिमाग मेरे पास है, जो चीज मैं यूज कर सकती हूँ वही आप भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अब x की वैल्यू हमें क्या डालनी चाहिए, जो बात मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है वही बात आपके मन में भी स्ट्राइक कर रही होगी कि अब हम -7 डाल देते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -7, ठीक। पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, सब जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू -7, 7 से 7 कैंसिल, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 22, तो ये हमारे आ जाएंगे 31। तो y की वैल्यू निकल कर आ गई है 31, क्या डालने पर, x की वैल्यू -7। तो ये तो आ गया हमारा तीसरा सॉल्यूशन, और चौथा और आखिरी सॉल्यूशन रह गया है जो अब हम फटाफट निकाल लेते हैं। अब आप सोचिए x की वैल्यू क्या डालें, क्या कहता है आपका,
दिल और दिमाग दोनों क्या कहते हैं कि अब x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू अब हम 14 डालते हैं, और शायद आपके दिमाग में भी यही बात चल रही होगी कि 14 या माइनस 14 डाला जाए। तो मैं फिलहाल 14 डाल रही हूँ। क्यों? देखिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारी इजी होने वाली है। y is equal to 9 minus 22 by 7 है पाई की वैल्यू, और इनटू हो गया है 14। देखिए कैंसिलेशन इजी हो रही है हमारी, इसीलिए y की वैल्यू 14 ले ली है। 22 टू जा 44 होता है, 44 में से आप 9 माइनस करिए, बताइए जल्दी से क्या होगा, 35 होगा, और साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 14 डाली और y की वैल्यू निकल के आ गई -35। तो ये था लॉजिक हमारे सॉल्यूशंस निकालने का। ये ट्रिक आप जरूर अपनाएंगे, आपको अपनानी चाहिए ये ट्रिक। क्यों? क्योंकि अगर आपको टाइम सेव करना है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करना है, गलतियों को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, और बिल्कुल जीरो कर देना है गलतियों को, और बहुत अच्छा स्कोर करना है, और ग्राफ को भी सही बनाना है, तो इस ट्रिक को जरूर अपनाएंगे आप, और इसका थर्ड पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारा क्या फ़ायदा हो, हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाएं, बस यही हमारा और आपका एम होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।